2019 में धारा 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में होंगे। सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC और PDP से गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन बनाने का उद्देश्य बीजेपी को हराना है। इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि NC और PDP के लिए राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर बना है। जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लामा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा को लोकतंत्र की जीत बताया और चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सितंबर में चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा के बाद सियासी पारा हाई होता जा रहा है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां लोकतंत्र बहाल हो रहा है। DB Live की रिपोर्ट।